नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इस दिन हो सकती है आंधी के साथ बारिश। एक तरफ जहां देश में गर्मी से लोग बेहाल हैं, वहीं राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की माने तो अगले 4 से 5 दिन में बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम विभाग के जानकारी दी है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ 14 से 17 अप्रैल के बीच में रहेगा। इधर बिहार की राजधानी पटना सहित 20 जिलों में 15 अप्रैल को आंधी के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया सहित 12 जिलों में 16 अप्रैल को भी बारिश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस दौरान धूल भरी आंधी चलेगी। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक फैला है। झारखंड में जहां कई स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है, तो वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही है। इस वजह से धूप और तपिश के बाद भी उमस का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि पहले मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया था। वे जिले हैं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल है। लेकिन पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाली तेज हवाओं की वजह से गर्म हवाओं से राहत मिली है। पटना में सोमवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, उसको लेकर उन्होंने कई तरह की सलाहें दी है। इस दिन इन 14 जिलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक गर्म हवा इन जिलों में परेशानी के कारण बन सकती है। इधर राज्य के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में भी आंशिक बढ़ोतरी देखी गई है। बंगाल की खाड़ी से नमी के हो रहे प्रवाह का असर राजधानी पटना पर भी दिख रहा है, जहां पर न्यूनतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। पछुआ हवा भी खूब कर रही है लोगों को परेशान। बता दें कि पछुआ हवा भी सुबह के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हवा की दिशा निश्चित नहीं रह रही है, कभी दक्षिणी पश्चिमी तो कभी उत्तर पश्चिमी दिशा में हवा बह रही है, कभी कभी तो यह किसी अन्य दिशा में भी बहने लगती है। लिहाजा अगलगी की आशंका बढ़ी हुई है। बिहार में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी होने तथा आगजनी से बचने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कई अहम जो है अपीलें की गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिन का खाना 9 बजे सुबह से पहले और रात का खाना शाम के 6 बजे के बाद बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि खाना बनाकर चूल्हे की आग को पानी से अच्छी तरह बुझा दें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हवन अनुष्ठान आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले ही कर ले। बिजली के लूज तार दिखे तो इसकी सूचना बिजली विभाग या फिर जिला प्रशासन को तुरंत दे। खेतों में फसल काटने के बाद बचे डंठल को न जलाएं। खेत खलिहान के आसपास बीड़ी, सिगरेट न पिएं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान की खबरें जो है मीडिया में आई हैं। बता दें कि लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहां गिरने से आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। सामूहिक भोजन बनाने की जगह पर 2 से 3 ड्रम पानी अवश्य रखें। तो ये थी बिहार में मौसम को लेकर जानकारी। और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।